नमस्कार दोस्तों, मैं एग्री साइड किक चैनल की तरफ से आपके लिए लेकर आया हूँ कृषि व्याख्याता 2020 का एग्रीकल्चर का पेपर। तो ये दोस्तों, ये पेपर 300 नंबर का था, जिसमें 150 क्वेश्चन थे। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का था और इसके प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग थी। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं एग्रीकल्चर के क्वेश्चन। एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट के अलावा साइकोलॉजी के भी मैंने कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की है। उनमें से जितने मैंने किए हैं वो भी आपको उनके उत्तर बताए जाएंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गुआवा बिलोंग्स टू फैमिली, यानी कि अमरूद का कुल कौन सा है? तो दोस्तों इसमें चार अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं, मिर्टेसी, कैरिकेसी, रोजेसी, यूफोर्बियसी। तो दोस्तों इसका सीधा सा उत्तर है मिर्टेसी। अमरूद मिर्टेसी फैमिली से बिलोंग करता है। अगला क्वेश्चन है, विच वेराइटी ऑफ मूंग बीन इज सुइटेबल फॉर कल्टिवेशन बोथ ड्यूरिंग रेनी एंड समर सीजन? तो दोस्तों मूंग की कौन सी वेराइटी है जो खरीफ और समर सीजन, यानी कि लगभग मार्च अप्रैल के आसपास जो बुआई करते हैं? तो दोस्तों इसमें चार अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं, टाइप फर्स्ट, पूसा बैसाखी, वर्षा और K851। तो दोस्तों इसमें मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है, कहीं कहीं पूसा बैसाखी भी दे रखा है, कहीं कहीं K851 भी दे रखा है। तो दोस्तों इसका K851 हो सकता है, लेकिन इसका फाइनल आंसर RPSC की ऑफिशियली आंसर की में पता चलेगा वो क्या मानती है। अगला क्वेश्चन है, पैक्टिन इज मेजर्ड बाई? तो दोस्तों पैक्टिन जेलीमीटर से नापा जाता है, इसका सही उत्तर है जेलीमीटर। अगला क्वेश्चन है, हैप्पी एंड फ्रेंडशिप आर इम्प्रूव्ड वेराइटीज ऑफ? तो हैप्पी एंड फ्रेंडशिप किसकी उन्नत किस्में हैं? तो दोस्तों इसमें चार अलग अलग ऑप्शन, रोज, कार्नेशन, मैरीगोल्ड और ग्लैडियोलस। तो दोस्तों हैप्पी एंड फ्रेंडशिप ये ग्लैडियोलस की उन्नत किस्में हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वीड कम्स अंडर सेजेज ग्रुप? तो दोस्तों कौन सा खरपतवार है जो सेजेज ग्रुप के अंदर आता है? तो दोस्तों मोता, साइप्रस रोटंडस, जिसका बोटनिकल नेम है, ये सेजेज ग्रुप के अंदर आता है। इसकी दो तीन और भी अलग अलग स्पीसीज हैं। अगला क्वेश्चन है, द रिलेटिव परसेंटेज ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले आर कॉल्ड, यानी मृदा, रेत, सिल्ट व क्ले की अपेक्षित प्रतिशत मात्रा को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसमें चार अलग अलग ऑप्शन है, तो इसका सीधा सा उत्तर है सोइल टेक्सचर। अगला क्वेश्चन है, इंटरकल्चर ऑपरेशन इन ग्राउंडनट इज अवॉइडेड एट? मूंगफली में अंतरास्सीय क्रियाओं से बचना चाहिए, फ्लावरिंग स्टेज, सीडलिंग स्टेज, पैगिंग स्टेज, नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है पैगिंग स्टेज, क्योंकि यही मूंगफली में सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज है। उस समय पैग निकल के ज़मीन में घुसते हैं, तो उस टाइम इंटरकल्चर ऑपरेशन कर दिया तो वो पैग टूट जाएंगे और पैग टूटने की स्थिति में मूंगफली सेट नहीं हो पाएगी मिट्टी में। तो दोस्तों मूंगफली की पैगिंग स्टेज में अपने को इंटरकल्चर ऑपरेशन नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, ग्लेडियोलस इज जनरली प्रोपोगेटेड बाई, यानी ग्लेडियोलस का सामान्यतः प्रवर्धन किससे किया जाता है? तो दोस्तों चार अलग अलग ऑप्शन है, ट्यूबर, राइजोम, बल्ब और कोर्म। तो दोस्तों ग्लेडियोलस का प्रोपोगेशन कोर्म के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्यूल पर्पस ब्रीड ऑफ काऊ? तो दोस्तों इसमें थारपारकर और मेवाती ये दोनों दे रखे हैं, तो मैंने इसका सही उत्तर थारपारकर माना है। तो इसमें RPSC अपना लास्ट अंतिम ऑफिशियली आंसर की में अपना उत्तर सही मानेगी, हो सकता है मेवाती भी सही मान ले। तो दोस्तों मेरे हिसाब से इसका सही उत्तर है थारपारकर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसनट्रेट ऑर्गेनिक मैन्योर, यानी निम्न में से कौन सी सांद्र कार्बनिक खाद है, यानी कि इसमें न्यूट्रिएंट, पादप पोषक तत्वों को जो मिलने वाले न्यूट्रिएंट है उनकी मात्रा ज़्यादा होती है, ऑर्गेनिक मैटर कम होता है? तो दोस्तों इसमें चार अलग अलग ऑप्शन है, कंपोस्ट, सीवेज एंड स्लज, वर्मी कंपोस्ट। तो दोस्तों इनमें लगभग तीनों कंपोस्ट, सीवेज एंड स्लज एंड वर्मी कंपोस्ट में लगभग कोई 1.5 से लेकर 3% के आसपास नाइट्रोजन और टोटल और भी फास्फोरस और पोटास वगैरह उपलब्ध होते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है नीम केक, इसमें सबसे ज़्यादा प्लांट न्यूट्रिएंट होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन द ब्रॉड एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स ऑफ इंडिया, यानी कि योजना आयोग के अनुसार भारत में व्यापक कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 15।
राजस्थान में एग्रोक्लाइमेटिक जोन 10 है। अगला क्वेश्चन है, द सोडिक सॉइल्स नीड ट्रीटमेंट्स विद अमेंडमेंट्स लाइक, यानी सोडिक मृदा यानी क्षारीय मृदा के संशोधन हेतु कौन से उपचार की आवश्यकता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है जिप्सम, और एसिडिक मृदाओं के लिए चूना काम में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ए रीपर इज यूज्ड फॉर, यानी कि रीपर का उपयोग होता है कटिंग में, कटिंग एंड विनोविंग में, कटिंग एंड थ्रेसिंग में, और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो दोस्तों रीपर ओनली फसल कटाई का काम करती है। अगला क्वेश्चन है, लाल बाग गार्डन इज लोकेटेड एट, तो दोस्तों चार अलग अलग ऑप्शन है, दिल्ली, बेंगलोर, कोलकाता और पुणे। तो लाल बाग गार्डन दोस्तों बेंगलोर है, कर्नाटक के अंदर आता है। अगला क्वेश्चन है, प्रीकर्सर ऑफ नेचुरल ऑक्सीजन यानी प्राकृतिक ऑक्सीजन का अग्रगामी कौन सा है? तो चार अलग अलग ऑप्शन है, मिथियोनिन, ट्रिप्टोफेन, आईपीपी और ग्लाइसिन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ट्रिप्टोफेन। अगला क्वेश्चन है, सैंडस्टोन एंड लाइम स्टोन आर, यानी बलुआ पत्थर एवं चूना पत्थर होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, प्राइमरी रॉक्स और इग्नियस रॉक्स। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सेडिमेंट्री रॉक्स, तलचट चट्टान। अगला क्वेश्चन है, प्रोडक्शन ऑफ सीड्स फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग और न्यूक्लियर सेल्स इज नोन एज, यानी गैर निषेचित अंडे या न्यूसेलर कोशिकाओं से उत्पादित बीज। तो उसका सही उत्तर है एपोमिक्सिस, और अगर फल लगता बिना निषेचन के फल तो वो पार्थेनो कार्पी। अगला क्वेश्चन है, द फुल फॉर्म ऑफ आत्मा, तो दोस्तों आत्मा का पूरा नाम एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। तो इसका सही उत्तर है दूसरा। अगला क्वेश्चन है, विच टेस्ट इज अप्लाइड फॉर द टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस बिटवीन टू वेरिएंसेज, तो दो दो कारकों के महत्व की जांच के लिए काई स्क्वायर टेस्ट यूज में लिया जाता है। इसका सही उत्तर है काई स्क्वायर टेस्ट। अगला क्वेश्चन है, रॉयल जेली इज द प्रोडक्ट ऑफ, रॉयल जेली किसका उत्पाद है? लाख कीट का, रेशम कीट का, मधुमक्खी का, उपरोक्त सभी का। तो रॉयल जेली मधुमक्खी का उत्पाद है। अगला क्वेश्चन है, रूट नोट निमेटोड कौन सा है? मूल ग्रंथि निमेटोड है मेलवाइडोगाइन, हिटरोडेरा, टाइलेंचस, पेटिलेंचस। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है मेलवाइडोगाइन। इसकी अलग अलग स्पीसीज सब्जियों में आदि में निमेटोड से होने वाले रोगों को बढ़ावा देती है। अगला क्वेश्चन है, ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स विदाउट यूजिंग सोइल इज नोन एज हाइड्रोसीडलिंग्स, इन विट्रो कल्चर, हाइपरट्रॉफी, हाइड्रोपोनिक्स। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है हाइड्रोपोनिक्स। द सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर इज लोकेटेड एट, तो दोस्तों क्रीडा, इसकी शॉर्ट फॉर्म है क्रीडा। तो यह हैदराबाद में स्थित है और इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटेटो कोज्ड बाई, आलू में लेट ब्लाइट किस कवक से होती है? फाइटोप्थोरा, पीथियम, स्पोंजोस्पोरा, पर्नोस्पोरा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है फाइटोप्थोरा। फाइटोप्थोरा इनफेस्टेशन से आलू की पचेती अंगमारी होती है। अगला क्वेश्चन है, द हाइएस्ट प्रोडक्शन ऑफ मस्टर्ड इन इंडिया इज इन स्टेट ऑफ, तो भारत में सरसों का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, बंगाल फेमिन इन राइस ड्यू टू, तो चावल में बंगाल फेमिन का कारक है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ब्लास्ट। अगला क्वेश्चन है, वाटर हार्वेस्टिंग इज डिफाइंड एज, जल संचयन को परिभाषित किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर है कलेक्टिंग द एक्सेस रन ऑफ फ्रॉम रेन ऑन द फार्म इन पॉन्ड्स एंड यूटिलाइजिंग इट लेटर फॉर एग्रीकल्चर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है चौथा। अगला क्वेश्चन है, प्रॉपर स्पेसिंग ऑफ पेडी क्रॉप इज 2 to 3 सीडलिंग्स पर हिल एट ए स्पेसिंग ऑफ सेंटीमीटर डिस्टेंस अंडर नॉर्मल कंडीशन। तो सामान्य परिस्थितियों में धान की फसल में 2 या 3, तो दोस्तों सामान्य परिस्थितियों में धान की फसल में 2 या 3 पौधे लगाने पर पंक्ति से पंक्ति तथा पौधे से पौधे की उपयुक्त दूरी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 20 × 10 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, गंगा सेकंड इज अ हाइब्रिड वेराइटी ऑफ विच क्रॉप ऑफ राजस्थान, तो गंगा सेकंड संकर नस्ल राजस्थान की किस फसल से संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है मक्का। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट ऑफ कॉटन इज किलोग्राम पर हेक्टेयर 50 to 60,
60-70, 80-100, 30-40। तो लगभग दोस्तों फास्फोरस की दुगुनी मात्रा का उपयोग कपास में नाइट्रोजन देने का किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है 80 से 100 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन है, ए क्रॉपिंग सिस्टम इन विच फूड क्रॉप्स आर ग्राउन इन एसोसिएशन विद हेज रोज ऑफ ट्रीज और श्रब इज नोन एज। तो पेड़ या झाड़ी की हेज पंक्तियों के साथ साथ खाद्य फसलों को उगाने की फसल प्रणाली को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है एले क्रॉपिंग। अगला क्वेश्चन है, नेशनल एग्रोमेट एडवाइजरी सेंटर इज सिचुएटेड। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है न्यू दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, हु इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ टिलेज। तो दोस्तों किसको जुताई का जनक माना जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है जेथ्रो टूल, और टिलेज वर्ड एंग्लो सैक्सन से लिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, विच इज स्ट्रेट फर्टिलाइजर। तो दोस्तों स्ट्रेट फर्टिलाइजर इसका सही उत्तर है यूरिया। ग्रीन मैन्योर प्लांट यूज्ड बाई फार्मर मैनली बिलोंग इन राइस फील्ड। तो चावल के खेत में किसान हरी खाद के रूप में किन को काम में लेता है? तो दोस्तों जनरली ढेचा वगैरह आदि का हरी खाद के रूप में, सनई वगैरह का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है लेग्यूमिनोसी। अगला क्वेश्चन है, द रेड स्किन पोटैटो वेराइटी, तो यानी लाल त्वचा आलू की किस किस्म में होती है? चार अलग अलग ऑप्शन दे रहे, कुफरी अरुण, कुफरी सदाबहार, कुफरी सूर्या और कुफरी गिरचंद। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है कुफरी अरुण। अगला क्वेश्चन है, व्हाइट हार्ट इज ए फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ, किसमें व्हाइट हार्ट दैहिक विकार होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है वाटरमेलन, तरबूज में व्हाइट हार्ट दैहिक विकार होता है। CSWRI सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट अभिकानगर कब स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 1962। अगला क्वेश्चन है, अंडर NARP प्रोग्राम हाउ मच एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स वर रीग्रुप्ड। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 126। अगला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ फीविंग गिविंग बर्थ टू यंग वन बाई मेयर इज कॉल्ड, ऊटनी में बच्चा जन्मने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों चार अलग अलग ऑप्शन दे रखे, काविंग, किडिंग, फोलिंग और फरोविंग। तो गाय और भैंस में बच्चा देने की क्रिया को काविंग कहते हैं, किडिंग बकरी में कहते हैं, फरोविंग सुअर में कहते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है फोलिंग। अगला क्वेश्चन है, विच फंजीसाइड इज यूज फॉर कंट्रोल ऑफ डाउनी मिल्ड्यू डिजीज, यानी मृदु रोमिल आसिता बीमारियाँ कौन से कवकनाशी से नियंत्रित की जाती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है रिडोमिल MZ, और पाउडरी मिल्ड्यू के लिए कैराथेन यूज में लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच इज फर्स्ट क्रिटिकल स्टेज इन द सक्सेस ऑफ मशरूम कल्टिवेशन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है कंजीनियल एनवायरनमेंट, यानी मशरूम की खेती के लिए अनुकूल वातावरण का होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन कॉटन डिजीज इज कॉज्ड बाई, यानी कपास की कृष्णा साक बीमारी किसके कारण होती है? तो दोस्तों ये बैक्टीरिया से होती है, और इसका सही उत्तर है जेंथोमोनास कैम्प्रेस्ट्रिस प्लांट वेराइटी मालवेसीरियम। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप डज शो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। तो निम्न में से कौन सी फसल स्व अनिश्चितता दर्शाती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है तारामीरा। अगला क्वेश्चन है, इन पोल्ट्री बर्ड्स स्टेट द रिप्रोडक्टिव पार्ट वेयर द एग रिमेन्स फॉर मैक्सिमम ड्यूरेशन ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन, वही मुर्गियों में अंडा बनते समय जनन तंत्र के किस भाग में सर्वाधिक समय बिताता है? तो दोस्तों चार अलग अलग ऑप्शन है, मैग्नम, स्थमस, वेजाइना और यूट्रस। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है यूट्रस। अगला क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स वाज कंसर्न्ड विथ एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन सेड बाई, यानी अर्थशास्त्र का प्रकृति के बारे में जानकारी प्राप्त करना एवं राष्ट्र की संपदा पर प्रभाव के बारे में संबंध है, ऐसा कथन किसके द्वारा दिया गया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है एडम स्मिथ, जिसे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बुक नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस वाज रिटन बाई, पुस्तक आर्थिक विज्ञान का स्वभाव एवं उसका महत्व किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है एल रॉबिन्स। अगला क्वेश्चन है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड, सूक्ष्म अर्थशास्त्र को निम्न में से और क्या कहते हैं? तो दोस्तों चार अलग अलग थ्योरी दे रखी है, तो इसका सही उत्तर है प्राइस थ्योरी को माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज यूज फॉर सेपरेशन ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ मोबिलिटी ऑफ सॉल्वेंट। विलायक की गतिशीलता के आधार पर प्रोटीन को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। अगला क्वेश्चन है पोलन कल्चर में भी यूज्ड टू ऑप्टेन, यानी पराग संवर्धन का उपयोग क्या प्राप्त करने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों पोलन कल्चर से हैप्लोइड प्लांट यानी कि अगुणित पादप तैयार किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग काउ ब्रीड इज प्रोमिनेंटली फाउंड इन जैसलमेर गंगानगर बीकानेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। राजस्थान के जैसलमेर गंगानगर व बीकानेर जिलों में पाई जाने वाली गाय की एक प्रमुख नस्ल कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है राठी। अगला क्वेश्चन है एमंग द फॉलोइंग विच क्रॉप इज सुटेड फॉर रेटोनिंग। तो दोस्तों निम्न में से कौन सी फसल पेड़ी फसल के रूप में उपयुक्त है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ब्रिंजल। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द मोनोकॉट वीड फ्रॉम द फॉलोविंग्स। चार अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से कौन सा एक बीजपत्री खरपतवार है? तो दोस्तों मोता एक बीजपत्री खरपतवार है। अगला क्वेश्चन है डेट फार्म प्रोपेगेटिंग मीन्स खजूर के प्रवर्धन के तरीके। तो दोस्तों इसमें चार अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं ऑफ शूट टिश्यू कल्चर सकर्स। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बोथ वन एंड टू ऑफ शूट और टिश्यू कल्चर। अगला क्वेश्चन है एनआरसी ऑन कैमल इज सिचुएटेड एट। राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र जोहरवीर बीकानेर में स्थित है। तो इसका सही उत्तर है बीकानेर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द अदर नेम फॉर कांगनी सिटेरिया इटेलिटा इटालिका मिलेट, यानी कांगनी मिलेट का दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है फॉक्सटेल मिलेट। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट क्रॉप प्लांट दैट जीनोम सिक्वेंस्ड, यानी प्रथम फसल जिसके जीनोम का अनुक्रमण किया गया। तो दोस्तों सबसे पहले राइस में अनुक्रमण किया गया। अगला क्वेश्चन है हु प्रपोज्ड द टर्म कंबाइनिंग एबिलिटी, संयोजन क्षमता शब्द को किसने दिया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है स्प्रेंज एम टेटम। अगला क्वेश्चन है डिस्ट्रिक्ट बीकानेर फॉल्स इन विच एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान का बीकानेर जिला कौन से कृषि जलवायु जोन में आता है? तो राजस्थान में 10 कृषि जलवायु जोन है, उसमें से बीकानेर फर्स्ट सी में आता है। अगला क्वेश्चन है बायो फर्टिलाइजर्स आर ऑर्गेनिक मैन्योर मिनरल फर्टिलाइजर माइक्रोबियल कल्चर ऑल ऑफ दी एबव। तो जैव उर्वरक क्या है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी ऑल ऑफ दी एबव। ये ऑर्गेनिक मैन्योर भी है, मिनरल फर्टिलाइजर भी है और माइक्रोबियल कल्चर भी है। अगला क्वेश्चन है सिट्रस हुआंग लॉन्ग बिंग डिजीज इज कॉज्ड बाय। तो दोस्तों नींबू का हुआंग लॉन्ग बिंग रोग किसके द्वारा होता है? तो इसका सही उत्तर है बैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन है ओरोबैंकी क्या है? ओरोबैंकी टोटल स्टेम पैरासाइट ऑफ टोटल रूट पैरासाइट। तो दोस्तों मैं माफी चाहता हूँ, इसमें इसका सही उत्तर है टोटल रूट पैरासाइट ऑफ टोमेटो। मैंने इसमें पहले टोटम स्टेम पैरासाइट ऑफ मस्टर्ड कर दिया था, तो दोस्तों इसका सही उत्तर है टोटल रूट पैरासाइट ऑफ टोमेटो। अगला क्वेश्चन है वायरॉइड्स हैव, वायरॉइड्स में क्या होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ओनली एस एस आर एन ए मॉलिक्यूल, केवल एस एस आर एन ए कण ही वायरॉइड में होते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइकोलॉजिकल स्टेज ऑफ एडोलेंस एज गिवन बाय एरिक्सन। निम्नलिखित में से कौन सी एरिक्सन द्वारा प्रदत्त किशोरावस्था की मनोसामाजिक अवस्था है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है आइडेंटिफाई वर्सेस रोल कन्फ्लिक्ट, यानी पहचान बनाम भूमिका संघर्ष। अगला क्वेश्चन है हु वाज द प्रो फाउंडर ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, क्रिया प्रसूत अनुसंधान के अनुबंधन के प्रतिपादक कौन थे? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बी एफ स्किनर। अगला क्वेश्चन है कम्युनिकेशन इज द शेयरिंग ऑफ आइडियाज एंड फीलिंग्स इन अ मूड ऑफ म्यूटिलिटी, हु स्टेटेड दिस स्टेटमेंट। पारस्परिक स्थिति मन स्थिति में विचारों एवं भावनाओं के आदान प्रदान की प्रक्रिया संप्रेषण कहलाती है, यह कथन किसने कहा था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है एडगर डेल, यह कथन एडगर डेल ने कहा था। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू साइकोलॉजिकल बैरियर्स ड्यूरिंग कम्युनिकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण के दौरान होने वाली मनोवैज्ञानिक बाधा से
संबंधित नहीं है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ओवर एंग्जायटी, जरूरत से अधिक चिंता है। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आर एग्जाम्पल ऑफ। तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किसके उदाहरण है? तो इसके चार अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, स्पाईवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों ये एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन है आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट द मेन एलिमेंट ऑफ टीचिंग मॉडल्स। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रतिमानों का एक मुख्य तत्व नहीं है? तो दोस्तों अलग अलग ऑप्शन है, इसका सही उत्तर है वर्बल एसोसिएशन यानी मौखिक साहचर्य। अगला क्वेश्चन है हु वाज द प्रोपाउंडर ऑफ एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल ऑफ टीचिंग। शिक्षण के अग्रिम संगठक प्रतिमान के प्रवर्तक कौन थे? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है डेविड आसुबेल। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ CAI। चार अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं, इसका सही उत्तर है 3 नंबर, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट इम्फेसाइज द रोल ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। निम्नांकित में से किस मनोवैज्ञानिक ने संज्ञानात्मक विकास में समाज एवं संस्कृति की महत्ता पर बल दिया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है लेव वाइगोत्स्की। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों विंडोज 10, लिनक्स, उबंटू ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो ये पूछ रहा है कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों ये इसका सही उत्तर है MS वर्ड, ये एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन है पेडी बिलोंग्स टू फैमिली, धान की फसल किस कुल से संबंध रखती है? चार अलग अलग ऑप्शन है, फाबेसी, पेडालियसी, पोएसी और एस्ट्रेसी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है पोएसी। अगला क्वेश्चन है सुइटेबल टेम्परेचर फॉर पोटेटो ट्यूबर डेवलपमेंट, आलू के कंद के विकास के लिए उपयुक्त तापमान होता है? तो दोस्तों ये हमारे नेट के पेपर में भी आया हुआ सवाल है, सुइटेबल टेम्परेचर फॉर पोटेटो अंडर डेवलपमेंट। तो ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका सही उत्तर है 17 से 19 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है विच इज अर्ली वेराइटी ऑफ पोटेटो, आलू की अगेती किस्म कौन सी है? तो दोस्तों चार अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं, इसका सही उत्तर है कुफरी ज्योति, ये आलू की अगेती किस्म है। विच क्रॉप इज नॉट ए लेग्यूमिनस क्रॉप, निम्न में से कौन सी दलहनी फसल नहीं है? मूंग, मूंगफली, मटर और कपास। तो दोस्तों मूंग, मूंगफली, मटर ये लेग्यूमिनसी कुल से संबंध रहती है, जिसका आप वर्तमान में फाबेसी कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है कॉटन, यह दलहनी फसल नहीं है, ये मालवेसी कुल से संबंध रखती है। द बॉटनिकल नेम ऑफ व्हीट, गेहूं का वानस्पतिक नाम है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ट्रिटिकम एस्टिवम। होर्डियम वल्गेर ये जौ का वानस्पतिक नाम है, विग्ना रेडिएटा मूंग का वानस्पतिक नाम है, अरेचिस हाइपोजिया ये मूंगफली का वानस्पतिक नाम है। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन कंटेन इन ग्राउंड नट, तो इसमें चार अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं, 7, 17, 27, 49। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 27, मूंगफली में लगभग 26% प्रोटीन कंटेंट होता है, तो इसमें 26 नहीं दे रखा है, तो इसका सही उत्तर है 27। अगला क्वेश्चन है टाइटली कर्व्ड हॉर्न्स आर फाउंड इन विच ब्रीड ऑफ बफेलो, अत्यधिक घुमाव वाले सींग कौन से भैंस की नस्ल में होते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है मुर्रा। अरावली इज ए वेराइटी ऑफ विच क्रॉप, तो दोस्तों इसका सही उत्तर है मक्का। लेग हॉर्न ब्रीड ऑफ पोल्ट्री इज पॉपुलर फॉर, मुर्गी की लेग हॉर्न नस्ल किसके लिए प्रसिद्ध है? मांस के लिए, भारी शरीर के लिए, अंडा उत्पादन के लिए, अंडा व मांस उत्पादन के लिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है एग प्रोडक्शन, मुर्गी की लेग हॉर्न नस्ल अंडा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है चिकन एग सेल, मुर्गी के अंडे में कवच होता है तो कुल अंडे के भार का 8 से 11% होता है। अगला क्वेश्चन है फुट एंड माउथ डिजीज इज कॉज्ड बाई, खुरपका और मुंह पका बीमारी किससे होती है? तो दोस्तों यह वायरस से होती है। अगला क्वेश्चन है द मोस्ट पॉपुलर एडिबल मशरूम इन द वर्ल्ड, विश्व का सर्वाधिक लोकप्रिय खाद्य मशरूम कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है एगेरिकस बाइस्पोरस। अगला क्वेश्चन है आयरिश फेमाइन 1845 वाज एसोसिएटेड विद, आयरिश अकाल किससे संबंधित है? दोस्तों 1845 में आलू की पचेती अंगमारी, लेट ब्लाइट ऑफ पोटेटो से आयरलैंड का अकाल हुआ था। अगला क्वेश्चन है स्वॉर्ड सिली इज ऑल्सो नोन एज, स्वॉर्ड लिली को जाना जाता है,
कैना ग्लैडियोलस मैरीगोल्ड क्राइजेंथिमम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ग्लैडियोलस को स्वॉर्ड लिली के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कैरेट इज रिच इन विच एलिमेंट। गाजर में कौन से तत्व की प्रचुरता होती है? तो दोस्तों गाजर में आयरन की प्रचुरता होती है। अगला क्वेश्चन है, सीमन ऑफ इम्प्रूव्ड ब्रीड ऑफ बक कैन बी डीप फ्रीज्ड एट। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है -196 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, नीलो खेड़ी प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड बाई। नीलो खेड़ी प्रोजेक्ट की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है SK डे। रेनबो इज ए वेराइटी ऑफ विच फ्रूट? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है अनानास। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय लोकल कंट्रोल इन स्टेटिस्टिक्स? सांख्यिकी में लोकल कंट्रोल से आप क्या समझते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है द प्रिंसिपल ऑफ मेकिंग यूज ऑफ ग्रेटर होमोजेनिटी इन ग्रुप्स। समूह में अधिक समानता हो जो प्रमुख हो, इसके लिए लोकल कंट्रोल का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इन स्प्लिट प्लॉट डिजाइन मोर प्रिसीजन इज ऑब्टेंड ऑन द मेजरमेंट ऑफ। विभक्त भूखंड अभिकल्पना में अधिक परिशुद्धता किसको मापने में होती है? मैन प्लॉट, सब प्लॉट, अल्टीमेट प्लॉट, ऑल द प्लॉट। तो दोस्तों स्प्लिट प्लॉट डिजाइन में मोर प्रिसीजन सब प्लॉट के मेजरमेंट के लिए होती है। तो इसका सही उत्तर है सब प्लॉट। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द वेविलोव द सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ ओनियन। वेविलोव के अनुसार प्याज का उद्गम केंद्र है सेंट्रल एशिया। तो सेंट्रल एशिया में इसका सही उत्तर है पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है, इफ मीन इज 25 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 5, देन कोऑफिशिएंट ऑफ वेरिएशन CV यानी कितनी होगी? तो CV का ज्ञात करने का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100। तो स्टैंडर्ड डेविएशन 5 दे रखा है, मीन 25 है, तो 5/25 × 100 करने पर इसका आंसर आएगा 20। तो इसका सही उत्तर है 20%। अगला क्वेश्चन है, ड्यू टू लो एटमोस्फेरिक प्रेशर द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन विल। कम वायुमंडलीय दाब के कारण वाष्पोत्सर्जन की दर होगी। तो दोस्तों कम वायुमंडलीय दाब के कारण वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ेगी। स्टोमेटा ऑफ केम प्लांट्स CM पादपों के संरंध्र होते हैं। तो दोस्तों रात में खुले और दिन में बंद होते हैं, जिससे कि इसमें वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम होती है। अगला क्वेश्चन है, द टिल्ट एंगल ऑफ द डिस्क फ्लो शुड बी बिटवीन। डिस्क हल का झुकाव कितना डिग्री के बीच में होना चाहिए? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 15 से 25। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि डिस्क एंगल है वो 42 से 45 डिग्री के बीच में होना चाहिए, जबकि टिल्ट एंगल 15 से 25 डिग्री के बीच में। तो इसका सही उत्तर है 15 से 25 डिग्री। व्हेन ए सेल इज फुली टर्जिड विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी जीरो। ये कहना चाह रहा है जब कोशिका पूर्ण फूली हुई हो तो निम्न में से कौन सा शून्य होगा? तो दोस्तों टर्गर प्रेशर शून्य होगा। अगला क्वेश्चन है, द स्प्रे एंगल ऑफ होलो कोन नोजल। होलो कोन नोजल का स्प्रे कोण होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 100 से 150 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, द हेड ऑफिस ऑफ डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन इज सिचुएटेड एट। DMI विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है फरीदाबाद। अगला क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम द लोन प्रोवाइडेड टू द फार्मर फॉर परचेजिंग द मिल्च कैटल इज कॉल्ड। तो दोस्तों अल्पावधि लोन शॉर्ट टर्म लोन मिल्च कैटल के लिए दिया जाता है। द टर्म एंटोमोलॉजी डिराइव्ड फ्रॉम। कीट विज्ञान शब्द कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों कीट विज्ञान शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है। साइंटिफिक नेम ऑफ यूरोपियन हनीबी। यूरोपियन मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम एफिस मेलीफेरा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है एफिस मेलीफेरा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स इम्प्रूव सोइल स्ट्रक्चर। निम्न में से कौन सा स्रोत मृदा की संरचना में सुधार करता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ग्रीन मैन्योर, हरी खाद। अगला क्वेश्चन है, मैकेनिकल मैनिपुलेशन ऑफ सोइल इज कॉल्ड। मिट्टी के यांत्रिक हेर फेरफार जोड़ तोड़ को कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है टिलेज। अगला क्वेश्चन है, द फिजिकल कंडीशन ऑफ सोइल इन रिलेशन टू प्लांट ग्रोथ इज कॉल्ड एज। पादप वृद्धि के संदर्भ में मृदा की भौतिक परिस्थिति को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सोइल टिल्ट। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हाई साल्ट टॉलरेंट क्रॉप। निम्न में से कौन सी उच्च लवण सहिष्णु फल है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है टर्निप, शलजम। अगला क्वेश्चन है, पूसा फाल्गुनी एंड पूसा बरसाती आर द इम्प्रूव्ड वेराइटीज ऑफ। पूसा फाल्गुनी एवं पूसा बरसाती किसकी उन्नत किस्में हैं? तो दोस्तों ये चवला फली काउपी की उन्नत किस्में हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज पंजेंसी ऑफ मस्टर्ड ऑयल।
निम्न में से सरसों के तेल में तीखापन का कारक है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ग्लूकोसिनोलेट्स। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेराइटी ऑफ बार्ले इज निमेटोड रेजिस्टेंस? निम्न में से कौन सी किस्म निमेटोड सहिष्णु है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है राजकिरण। अगला क्वेश्चन है, भारतीय ऊंट होते हैं सिंगल हम्प, डबल हम्प, नो हम्प, थ्री हम्प? तो दोस्तों भारतीय के ऊंट सिंगल हम्प यानी एकल कूबड़ वाले होते हैं। दो ऊंट वालों को बैक्ट्रियन कूबड़ कहते हैं, दो कूबड़ वालों को बैक्ट्रियन ऊंट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच सॉइल स्ट्रक्चर इज मोस्ट डिजायरेबल फॉर एग्रीकल्चर? कृषि के लिए कौन सी मृदा संरचना सर्वाधिक वांछित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ग्रेन्यूलर। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द पेयर विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड? उस जोड़े का चयन करें जो सही मेल नहीं खाता है। तो इमर वीट ट्रिटिकम डाइकोकम सही है, मैकारोनी वीट ट्रिटिकम ड्यूरम ये भी सही है, मैक्सिकन वीट ट्रिटिकम एस्टिवम ये भी सही है, इंडियन ड्वार्फ वीट ट्रिटिकम वल्गियर? तो दोस्तों ये गलत है, इसका सही उत्तर होगा ट्रिटिकम स्पैरोकम। इंडियन ड्वार्फ वीट ट्रिटिकम स्पैरोकम से बिलोंग करता है। तो दोस्तों ये थे एग्रीकल्चर लेक्चरर की आरपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा के 150 क्वेश्चन, जिनमें से मैंने एग्रीकल्चर के आपको इसमें आंसर दिए और कुछ साइकोलॉजी के भी उत्तर दिए। इसमें से अगर कोई गलती हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर प्रेषित करें। इस तरह आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं प्यार देते रहें। तब तक के लिए अलविदा।